మరోవైపు సల్మాన్ కు బెయిల్ ఇవ్వటంపై దుమారం రేగుతోంది. ఆయనను విడుదల చేయటంపై అప్పీలుకు వెళ్తామంటున్నారు బిష్నోయిలు. అటు పెటా కూడా బెయిల్ మంజూరును ఖండించింది. అయితే అభిమానులు మాత్రం పండుగ చేసుకుంటున్నారు. తమ అభిమాన హీరో రాక కోసం ముంబైలో ఎదురు చూస్తున్నారు. बहुत अच्छा आया है. कोर्ट हमेशा निष्पक्ष ऑर्डर करती है और जो है शाम तक 7 बजे तक जो है सलमान खान आज बाहर आ जाएंगे, ये सबसे बड़ी खुशी है. निश्चित तौर पे जिस तरह से एक न्यायिक प्रक्रिया ऐसा है, उनके द्वारा अपील पेश की गई थी जिस पर न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जी जोशी के द्वारा उसका रिकॉर्ड तलब किया गया था. कल भी सरकारी अधिवक्ता एक्यूज के अधिवक्ता तथा कंप्लेनेंट को सुना गया है. उसके पश्चात उन्होंने सुनने के पश्चात आज ये आदेश के लिए तथा बहस के लिए रखा था, जिस पर न्यायालय समय अनुसार उन्होंने सुन लिया, सभी पक्षों को सुना. सुनने के पश्चात आज आदेश के लिए लंच के बाद में रखा था. जो अभी आदेश उनके द्वारा पारित किया गया है, तो निश्चित तौर पे उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया, क्योंकि जो आदेश पारित किया न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, वो जो अभी म्यूचुअल के उनको 25,000 के म्यूचुअल 50,000 की जमानत दी गई है, साथ में जो हमारी तरफ से बहस रही उनको मानते उन्होंने ये भी कंडीशन लगा दी है कि वो सलमान खान बगैर न्यायालय की अनुमति से बाहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा. सर नेक्स्ट डेट कब दी है? उसमें 7 मई 2018 को उन्हें पुनः न्यायालय में, इसी न्यायालय में उपस्थित, जो अधीनस्थ न्यायालय है और अपीलांट न्यायालय, उसमें उपस्थित होकर वहाँ व्यक्तिगत रूप से उन्हें उपस्थित रहना पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं. एक न्याय विश्वनी समाज हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करता है और सम्मान करेगा, उसी प्रक्रिया में विश्वास रहता है. ये एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत थी, क्योंकि अभी अपील का निस्तारण नहीं हुआ है, क्योंकि अपील विचाराधीन है. अपील के अंदर ही तय होगा जो ये सजा रहा है. साथ ही साथ जो अन्य जो अभियुक्त जिन्हें बरी किया गया उनकी ओर से भी राज्य सरकार की ओर से और हमारी तैयारी की है, जिसमें हम स्टेट अपील फाइल करेंगे, तो वो भी साथ में क्लिप हो, तो दोनों अपीलें साथ होगी और तब निर्णय किया जाएगा. मतलब मुश्किल अभी भी बरकरार है? नहीं, निश्चित तौर पे ये से एक अंतरिम राहत है उसके जमानत की, जो सामान्य प्रक्रिया के तहत मिलती है और दी गई उनको.